अच्छा, और मेरे साथ में आ रहे हैं आप ही के दिलों पर बात करने वाला आपका अपना परिचित गजेंद्र कुशवाहा कलाकार। और मैं गजेंद्र कुशवाहा, यहाँ तमाम उपस्थित लोग ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम नमस्कार, और यहाँ उपस्थित सभी महान सभी में हमारे तरफ से हार्दिक स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से आप ही की सुंदर बस्ती जमुनिया में तमाम युवा परिवार हाजिर है आपके सेवा में। महान समाज एवं क्रांतिकारी नाटक आखिरी जन्म लेकर कुछ ही क्षणों बाद, कुछ दिनों बाद हमारे युवा नेटवर्क लड़के लोग द्वारा संचालित किया गया सामाजिक व क्रांतिकारी नाटक आखिरी जन्म लेकर हमारे यूनिट फिर से आप लोग के सामने पेश करने जा रहे हैं। जिसमें कोई त्रुटि या गलती हो तो आप लोग बच्चे समझ कर क्षमा कीजिएगा। आपके साथ आपके दिलों को धड़काने के लिए, आपको गुदगुदाने के लिए, आपके दिलों पर राज करने के लिए मनोरंजन से भरा हुआ प्रोग्राम लेकर हाजिर हो चुके हैं। उम्मीद है कि पूरे शांति के साथ आज के इस सुहाने पल का भरपूर फायदा उठाएंगे। आप लोग कोई फिल्मी कलाकार नहीं, चमकता हुआ कोई सितारा नहीं कि हमसे कहीं कोई कमी न हो जाए। अगर कहीं कमी नजर आए तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। हेलो, सरस्वती पूजा एवं सुखद उपलब्ध रहे युवा नेटवर्क जमुनिया द्वारा प्रस्तुत सामाजिक और क्रांतिकारी नाटक के सिलसिला शुरू करते हैं। पाठ तरीके की ओर चलते हैं और आज का पहला पाठ है आंसू तेरी बहे तो आंखें मेरी हो। गजेंद्र जी, हाँ बोलिए, बोल दीजिएगा। आंसू तेरी बहे तो आंखें मेरी हो, दिल तेरी धड़के तो धड़कन मेरी हो, खुदा करे हमारा रिश्ता इतना गहरा हो, खुदा करे हमारा रिश्ता इतना गहरा हो, अगर सांस तेरी रुके तो मौत मेरी हो। इस नाटक के हीरो यानी मास्टर दीनानाथ का एक लौटा बेटा जो ठाकुर प्रताप सिंह द्वारा अपने पिता के हत्या के बदला लेने के लिए दुनिया के हर परिस्थितियों का सामना करता है, जिसका रोल अदा किए हैं किशोरी प्रजापति संगम। अपने दिल की सुनो जज्बात से काम न लो, भरम है कि हम भूल गए हैं। इंद्र जी, आपको भरम है कि हम भूल गए हैं, आपको ऐसा सोच के हमारे दोस्ती का इम्तिहान न लो। हाँ, रवि प्रकाश इस आखिरी जंग का सहनायक साइड हीरो यानी विजय का दोस्त जो दोस्ती के खातिर अपना जान पर गवा बैठा है, जिसका रोल अदा किए हैं राजेश। विजय मेरा दोस्त, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी गवा सकता हूँ, इसके लिए मेरा कोई परवाह नहीं। और तीसरे पास के रूप में है ठाकुर प्रताप सिंह। जी हाँ, हर घड़ी अंगारों पर चल रही है जिंदगी, हर घड़ी अंगारों पर चल रही है जिंदगी, हादसों की गोद में पल रही है जिंदगी, प्यार का कभी भी सुधाओ में, प्यार का सावन बरसा था कभी भी सुधाओ में, आग में आग जल रही है जिंदगी। ठाकुर प्रताप सिंह यानी इस नाटक का खलनायक जो गरीबों का बस्ती खाली कराकर वहां पर शराब की फैक्ट्री खोलना चाहता है, जिसके रुकावट में आने वाले मुख्य रूप से मास्टर दीनानाथ एवं रवि प्रकाश का खून भी करता है, जिसका रोल लगा दिए हैं रंभू प्रसाद गुप्ता। प्लीज जंगल में रहना है तो
ये था ठाकुर प्रताप सिंह। और चौथे सरकार है चरण सिंह जी। हाँ, जाम से जाम पीने से क्या फायदा? वाह वाह वाह, जाम अन्न पीने से क्या फायदा? शाम को पीलो बहुत कर जाएगी। अरे दो गुण जुदाई का पीलो, अरे दो गुण जुदाई का पीलो, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। जी हाँ, चरण सिंह जिनके दुनिया का दूसरा पास था, यानी जो उसके हर गलत धंधे में बराबर का हिस्सेदार रहता है, जिस करोड़ों राज्य मुस्लिम अजनबी अपनी उम्र सत्ता लड़के हाथी के पैरों तले छिपी नहीं आया करती, क्योंकि उसका अंजाम उसको मालूम होता है। मिस्टर लखन, ये न जाने कैसी ये हवा चलने लगी है, न जाने कैसी ये हवा चलने लगी है, हर दिल में एक एक आग चलने लगी है। जो कल्चर थी इंसानों की साथ में, जो कल्चर थी इंसानों की साथ में, वो आज बुजुर्गों की राह पर चलने लगी है। जी लखन यानी ठाकुर का चलता, जो ठाकुर के इशारे पर नाचा है, जिसका रोल अदा किए हैं लाल कुमार का। राणा, राणा ये भी ठाकुर का चमचा, जिसके चमचागिरी से गांव वाले हमेशा तकलीफ में रहते हैं। राणा का रोल अदा किए हैं समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन लो, मेरी चाहत का तुम दुल्हन बना लेना मगर सुन लो, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा भी हो नहीं सकता। अगले कलाकार है रोहन, ठाकुर प्रताप सिंह का बेटा, समंडी पाखंडी और अपने पाप के बल पर कूदने वाला, जिसका रोल अदा किए हैं सुरेंद्र मुखिया। खतरों से खेलना हम लोग की फितरत है, ये रोकने का मौका हम लोग की क्या दिखा लगी। रोहन के बाद सलीम पुलिस इंस्पेक्टर। जी हाँ, सलीम यानी पुलिस इंस्पेक्टर, जो मास्टर सिंहनाथ और रवि प्रकाश के हत्यारा ठाकुर और चरण सिंह के, चरण सिंह को जेल की हवाओं तक पहुंचाता है, जिसका रोल अदा किए हैं उपेंद्र प्रजापति। You are under arrest, Mr. Prataap Singh and Mr. Charan Singh. पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ सिपाही का परवान, किस्मत की लकीर को कोई मिटा नहीं सकता। किस्मत की लकीर को कोई मिटा नहीं सकता, दिल की जज्बों को कोई दिखा नहीं सकता। दीवाना तो हर आशिक होते हैं अपने मुमताज पर, दीवाना तो हर आशिक होता है अपने मुमताज पर हर आशिक ताजमहल बनाना जी हाँ, उस पर आप ही कुछ कहना चाहेंगे गजेंद्र जी? मैं क्या कहूँगा, उसको सुना डालिए, कुछ भी तो सुनाइए। अरे वही कोई कह रहे है तो सुना दीजिए। हम ना होते तो ये गजल कौन कहता? बिल्कुल, हम ना होते तो ये गजल कौन कहता? आपकी चेहरे को कमल कौन कहता? बिल्कुल, हम ना होते तो ये गजल कौन कहता?
तेरे चेहरे को समझ कहता है ये तो सब प्यार करने वालों की किस्मत है, ये तो सब किस्मत है प्यार करने वालों की, वरना पत्थर को ताज मौसम कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस चाय के लिए। इसी तरह कलाकार है सिपाही नंबर वन, इस करोड़ अदा किए हैं फूल महमा सिपाही नंबर वन के बाद है सिपाही नंबर टू। जी हाँ, दिल की बात दिल में मत रखना, दिल की बात दिल में मत रखना, जो है उसे आई लव यू कहना है। दिल की बात दिल में मत रखना, जो पसंद उसे आई लव यू कहना, अगर वो गुस्से में आ जाए, अगर वो गुस्से में आ जाए तो डरना मत, राखी निकालना और कहना प्यारी कहना मिलते रहना। सिपाही नंबर टू जो भी पुलिस इंस्पेक्टर फलिंग साथ देता है, जिसका रोल अदा किए हैं नरेश पंडित। सिपाही नंबर टू के बाद है केशव। आज दिल पूछ बैठा अपनी ही तस्वीर थी, मैं तो सुना नहीं, ये देर रात के लिए है देंगे। आज दिल पूछ बैठा अपनी ही तस्वीर से, तूने क्या पाया इस तस्वीर से, आज की तस्वीर फिल के आईने में दिखाई, आज की तस्वीर फिल के आईने में दिखाई और कहा गजेंद्र जैसा दोस्त पाया है इस दुनिया की भीड़। मेरे पास तो कुछ देने लायक नहीं है तो दे देता, अरे नहीं है तो तू बात तो दे सकते हैं, कोई शहर है तो सुना सकते हैं, शहर है तो सुना दे, सुना दू। दिन देखे हुए तेरा तस्वीर बना हुआ पेंटर है, इसलिए दिन देखे हुए तेरा तस्वीर बना सकता हूँ मैं, दिन पूछे हुए तेरा हाल बता सकता हूँ वो भी। हम ऐसे दोस्त हैं जी, हम ऐसे दोस्त हैं जी कि मेरे आंखों तेरे आंखों से बहा सकता हूँ। चलिए अगले कलाकार है केशव, गांव का साधारण किसान जो पलायन के लिए मास्टर कुनानाथ का हर वक्त साथ देता है, जिसका रोल अदा की है सनोज मुखिया। हमारा नाम केशव है, हम गांव का बहुत बड़ी साथी हूँ, मगर इंसाफ के लिए पीछे कदम नहीं हटाता हूँ। अभी आप मुझे क्या केशव, इसके बाद अगला पाप है बनवासी, तलाश करत खुशी तो गम मिलेगा, ई गम जिंदगी में हर दम मिलेगा, तलाश करत खुशी तो गम मिलेगा, ई गम जिंदगी में हर दम मिलेगा, जवन बाद बा जिंदगी के साथ ऐसा लोग को मिलेगा जो कम मिलेगा। बनवारी ये भी गांव का बिल्कुल साधारण आदमी, जो भाषा में सिर्फ भोजपुरी जानता है, मगर फिर भी अपना गांव समाज के भलाई के लिए ठाकुर के खिलाफ रहता है। क्या रोल अदा किए हैं आप ही के सामने वाले घर वाले मोना लाल सा। रंजो गम पैदा न करे, ये शेर जज के लिए है, जज की तरफ से कहना है, इनसे कह दो कि रंजो गम पैदा न करे, इनमें चले हैं तो फूलों का सौदा न करे। कह दो अदालत में उन गुजरे हुए गवाहों से, कह दो अदालत में उन गुजरे हुए गवाहों से, झूठ बोले मगर वोट का सौदा न करे।
जज जो अदालत में गवाह पेश न होने पाने के कारण ठाकुर और चरण जी को अदालत में पाइजत खड़ी करता है, जिसका रोल लगा दिए हैं लाल बाबू ठाकुर। मैं जज हूँ। इंसानियत में आपका काम है कोई बात नहीं है, हम सही का हो तो आप लोग थोड़ा माफ करेंगे। अगर बात है वकील जी, हाँ, गमों की धूप में कभी जाना ना पड़े, गमों की धूप में कभी जाना ना पड़े, पलकों को कभी भिगोना ना पड़े, दिन माने हुई नीच बात आपको इतना कुछ इतना के लिए सर झुकाना ना पड़े। जी हाँ, वकील जो अपनी वकालती से दूध का दूध और पानी का पानी करके अपना मुवक्किल को बता लेता है, जिसका रोल अदा किए है श्री किशुन गुप्ता। मैं सबसे पहले सत्य शरीर से कहूंगा कि अपने गांव पेश करें, इसके बाद एक नौकर। जी हाँ, नौकर यानी चरण सिंह का घर में काम करने वाला और शादी के बारे में खबर देने वाला, ये है सत्येंद्र प्रजापति। इसके बाद नाग सरकार सालू स्त्रीपात। जी हाँ, सालू जिसको देखने के लिए आप बहुत वक्तों से इंतजार कर रहे हैं, आपके दिल धड़कने के लिए बिल्कुल तैयार है, आप थोड़ी ही देर में आपके धड़कने धड़कने लगेंगी, जिसके बारे में सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, ऐ चांद तेरी चांदनी की कसम, अरे भाई ऐ चांद तेरी चांदनी की कसम, एक चांद देखा था, ऐ चांद तेरी चांदनी की कसम, एक चांद देखा था, तेरी दादों की कसम उसे बेदाग देखा था, तेरी दूरी की कसम उसे अपने पास देखा था, तेरी दूरी की कसम उसे अपने पास देखा था, फर्क सिर्फ इतना है उसे बार बार उसे एक बार देखा था। आपसे ये मैं वाइज की मैं क्या कहना चाहता हूँ मालूम है, बोल लीजिए। आसमान की परी हो यहाँ किस लिए आई है, आसमान की परी हो यहाँ किस लिए आई हो, संगमरमर का बदन तुम कहाँ से पाई हो, बिल्कुल तुमका हंसी कहीं देखा नहीं दुनिया में, मालूम है तुमका हंसी कहीं देखा नहीं दुनिया में, लगता है सबनम से नहाते आए। जी हाँ, इस नाटक के हीरोइन यानी चरण सिंह की एक लड़की लाडली प्यारी से एक ही मुलाकात में विजय को अपना दिल दे बैठी है, विजय को पाने के लिए अपना बाप से भी झगड़ती है, लगा दिए है वादा करती हूँ, एक जन्म ही नहीं बल्कि जन्म जन्म तक तुम्हारी साथ हूँ। धन्यवाद साधु वीरेंद्र जी, हमारे पात्र तो समाप्त हो चुके हैं, आपसे कहूंगा आगे ने हमारे दशरमान भाव के लिए तय सुना दी किया सुना दे। हाँ, उसने मेहंदी लगा रखी थी। वाह, क्या लगा रखी थी? मेहंदी। उसने उसने मेहंदी लगा रखी थी। इधर वाली इधर वाली अरे कहीं वाली यार है, उसने मेहंदी लगा रखी थी, हमने उसकी टोली उठा रखी। वाह वाह, क्या लगा रखी थी? मेहंदी लगा रहा थी हमने, मेहंदी थोड़ी लगा रखा, मेहंदी लगा रखी थी हमने, उसकी टोली उठा रखी थी, हमसे मालूम था कि वो बेवफा निकलेगी, हमसे मालूम था कि वो बेवफा निकलेगी, इसीलिए हमने उसकी छोटी बात को बता रखा। ये तो बहुत सारी बात मुझे काम है, मेरा भी यकीन उन्हें उसी पर कहना है, उसने मेरे दिल में तो जगह बना, उसने मेरे दिल में तो जगह बना ली, मैंने भी उसकी तस्वीर अपने दिल में सजा ली, उसने मेरे दिल में तो जगह बना ली, मैंने भी उसकी तस्वीर अपने दिल में बसा ली, वो मुझे ऐसे ही रूठ गए,
वो मुझे नहीं मिल गए, फिर भी मैंने उसकी दूसरी बहन को फंसा ली। चलिए इसी शहर के साथ हमारा पात्र पर क्या सिलसिला समाप्त होता है और इसी तरह सिलसिलेवार आप लोगों को हम लोग प्रोग्राम दिखाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया मजेदार हंसदार रसगुल्लेदार सब प्रोग्राम दिखाएंगे। अभी फिलहाल आप लोगों से इजाजत चाहेंगे, नमस्कार, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।